नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव पर दिखे मेहरबान। सपा को मजबूत करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को बधाई दी। कहा, सपा के लिए शुभ संकेत, बहुत दिनों बाद पार्टी में दिखी एकता। शिवपाल सिंह यादव ने खून पसीने से पार्टी को बनाया, उनको पार्टी में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। वहीं मंत्री सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीब होने का दावा किया है। साथ ही स्मृति ईरानी पर कांग्रेस के अजय राय के बयान पर कहा, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया है, इसी बौखलाहट में कांग्रेस ऐसा बयान दे रहे हैं। ये अच्छा है, तो वही शुभ संकेत है, बधाई है, क्योंकि शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी को बनाने में अपने खून पसीने और जिस पार्टी में उन्होंने पूरे अपने जीवन को लगा दिया, फिर से उस पार्टी में एकता आई है। ये इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि भाई पार्टी में उनको जो सम्मान मिलता है, सम्मान मिले। हाँ, बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, पहले भी सहयोगी रह चुके हैं, वो हम लोग के साथ केंद्र मंत्री रह चुके हैं। और वो ओम प्रकाश राजभर जी सोचते हैं जो उसको मोदी जी और योगी जी करते हैं, तो हम लोग वैचारिक रूप से नजदीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई तो परमानेंट दोस्त और दुश्मन होते नहीं है, समय और परिस्थितियों के अनुसार सब निर्णय होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोती जा रही है, ये मैं उनके बौखलाहट समझ सकता हूँ। माननीय उनके नेता राहुल गांधी जी को दो दो बार पराजित करने का काम जो है आज जो है स्मृति ईरानी जी ने किया है, तो इसे बौखलाहट में बयान दे रहे हूँ। इस तरह से सजा की मांग करेंगे उनके लिए, इस तरह से महिला को इस तरह से बयान दे रहे हैं, जो भी ये कानून के परिधि में जो आएगा उस पर कार्रवाई होगी। मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी विवेचना होगी, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जब कोहरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस स्थिति के लिए वहाँ के जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं वो उस पर निर्णय करेंगे कि भाई यदि कोहरे के कारण अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि अभी दुर्घटनाएँ बढ़ गई हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको किया गया है, तो उस समय वो तो तात्कालिक निर्णय उसमें ले करके वो करेंगे कि यदि ज़्यादा गहरा कोहरा होगा तो उस पर असर ही करेंगे, यदि कोहरा ऐसा होगा कि हमारी बसें आसानी से चल सकती हैं तो चलेंगे।